आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत आसानी से बनने वाली सुपर डिलीशियस स्वीट। बिना कुकिंग किए हमने इस स्वीट को बनाया है। आपको देख के यकीन नहीं होगा कि इतनी आसानी से हमने ये स्वीट बनाई है। ये स्वीट हमने ओरियो बिस्किट से बनाई है और बिल्कुल भी बाकी इंग्रेडिएंट जैसे कि मावा, मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क कुछ भी यूज नहीं किया है। बिना कुकिंग किए बनने वाली ये स्वीट केवल 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट इतना औसम रहता है कि कोई बता भी नहीं सकता कि ये घर पे बनी हुई स्वीट है। ये स्वीट मैंने ओरियो बिस्किट से बनाई है, तो हमें चाहिए ओरियो बिस्किट। इसके लिए मैंने 120 ग्राम के 2 पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं। बस ध्यान रहे कि जो व्हाइट क्रीम रहती है ना, वनीला क्रीम, ये वाले बिस्किट हमें चाहिए। मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं। क्वांटिटी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लें। 1 पैकेट में 12 बिस्किट रहते हैं, तो मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं, तो मेरे पास हैं यहाँ पर 24 बिस्किट। तो चलिए आप स्वीट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 ये है कि हमें ओरियो बिस्किट को ओपन करना है और इसके अंदर जो व्हाइट क्रीम है इसे केयरफुली रिमूव करना है। ये बहुत आसान होता है, बिस्किट बहुत इजीली ओपन हो जाता है और इसकी क्रीम रिमूव करना भी बहुत आसान होता है। ये बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। इसी तरह से हम सारे बिस्किट की क्रीम अलग कर लेंगे। ये क्रीम भी और बिस्किट भी दोनों हम स्वीट बनाने के लिए यूज करने वाले हैं। इस स्वीट को बनाना इतना आसान है कि इवन इसे बच्चे भी बना सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में हमने फायर का यूज नहीं किया है। सारे बिस्किट से हमने क्रीम रिमूव कर ली है, तो अभी हम इस क्रीम को अलग रख देंगे और इन बिस्किट का हमें पाउडर रेडी करना है। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और बिस्किट के ऐसे छोटे छोटे पीस करके ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। एक बार में जितने बिस्किट आपके ग्राइंडिंग जार में फिट आए उतने बिस्किट छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंडिंग जार में भर लें और इसको ग्राइंड कर लें। मैंने बिस्किट को ग्राइंड करके बिस्किट का फाइन पाउडर रेडी कर लिया है। अभी हम इस बिस्किट के पाउडर को एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। बिस्किट्स को ग्राइंड करके हमें बिल्कुल इस तरह का फाइन पाउडर रेडी करना है। अब हमें मिल्क लेना है और बिस्किट का ये जो पाउडर है इसमें मिल्क डाल के हमें इसका डो रेडी करना है। मिल्क आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, मैंने सारा एक साथ डाल लिया है। इससे कई बार डो के गीले होने के चांसेस रहते हैं। मिल्क और बिस्किट के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हम हमारे हाथों का यूज करें तो ज़्यादा बेटर है हमें, क्योंकि डो रेडी करना है तो इसको अच्छे से मसलते हुए एक स्मूथ डो रेडी करेंगे। हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए और अच्छे से मसल के एक स्मूथ डो लगा लें। जैसे जैसे हम इसे हाथों से मसलते जाते हैं तो ये स्मूथ बनता जाता है और हाथों में भी नहीं चिपकता, ये स्टिकी नहीं रहता है बाद में। इस तरह से हम स्मूथ डो रेडी कर लेंगे और इसे रख देंगे। अब हम रोल की स्टफिंग रेडी करेंगे। हमने जो बिस्किट की क्रीम निकाल के रखी थी अब हम इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 2 स्पून कोकोनट पाउडर और कुछ बहुत बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ता लिया है, आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स ले लें। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। मैंने सैफ्रॉन फूड कलर लिया है, आपको जो पसंद हो या जो अवेलेबल हो आप वो कलर ले सकते हैं, जैसे येल्लो, रेड और पिंक। और अगर फूड कलर अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप बिना फूड कलर के भी स्वीट बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। अभी कलर के साथ सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ डो रेडी कर लेंगे। अगर आपको ये मिक्सचर बहुत टाइट लग रहा है तो आप थोड़ा सा मिल्क या बटर यूज कर सकते हैं, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और इस तरह से मेरा डो रेडी है। अब इस मिक्सचर को एक चॉपिंग पैड पर निकाल लेंगे और थोड़ा सा हाथों से मैश कर लेंगे और इसे हमें एक लंबे से लॉक का शेप देना है। ये स्टेप हमें थोड़ा केयरफुली करना है, ये डो थोड़ा टाइट है, बीच में टूट सकता है, तो इसलिए इसे हाथों से आराम से प्रेस करते हुए इस तरह से हमें एक लंबे से लॉक का शेप देना है। ये हमारे रोल डिलाइट के अंदर की फिलिंग है, तो ये हमारा एक लंबा सा लॉक रेडी है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें लेना है सिल्वर फॉइल पेपर। अगर सिल्वर फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे बटर पेपर या फिर कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं। अब हमें लेना है हमारे बिस्किट पाउडर से बना हुआ डो। यह डो कितना स्मूथ है आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें स्टिकीनेस नहीं है और हाथों में इस तरह से बिल्कुल घी या फिर हम कहें तेल इस तरह से छोड़ रहा है। अब हमें इसे अच्छे से रोल कर लेंगे और सिल्वर फॉइल पेपर पे रख देंगे। अब हमें सेम साइज का एक और सिल्वर फॉइल पेपर लेना है और इसे ऊपर से रोल को कवर कर लेंगे। अब हम लेंगे रोलर, जिसे कि हम चपाती रोल करते हैं, इससे हमें बिस्किट पाउडर से बने हुए डो को स्मूथली रोल करना है। देखिए हमारा डो रोल हो रहा है, हमें इसे बहुत पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखना है और गोल शेप ना देके हमें इसे स्क्वायर शेप देना है। डो को रोल करके फ्लैट कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे।
बिस्किट की क्रीम और ड्राई फ्रूट से हमने जो स्टफिंग रेडी की थी इसको हम बिस्किट पाउडर के डो पे इस तरह से रखेंगे और बहुत केयरफुली सिल्वर फॉइल पेपर की हेल्प लेते हुए बिस्किट पाउडर के डो से हम स्टफिंग को अच्छे से कवर कर लेंगे। धीरे धीरे से सिल्वर फॉइल पेपर की हेल्प इस तरह से लेते हुए हम इसे रोल करते जाएंगे। बस ध्यान रखें कि हमें इसे टाइटली रोल करना है, मीन्स बीच में ये ढीला या खुला खुला ना रह जाए। सिल्वर फॉइल पेपर की हेल्प से इसे हम थोड़ा थोड़ा करके आगे शिफ्ट करते जाएंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे। हमें एक रोल रेडी करना है। क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ रहता है इसलिए हम अगर सिल्वर फॉइल या फिर बटर पेपर की हेल्प से स्टेप करते हैं तो ये बहुत ईजी और बहुत जल्दी हो जाता है। हमारा रोल रेडी हो गया है तो अभी हम हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए इस तरह से शेप देंगे। आप अपनी चॉइस का शेप दे सकते हैं, राउंड या स्क्वायर। तो मैंने इस तरह से इसे हाथ से प्रेस करते हुए स्क्वायर शेप दिया है। अब साइड से इसे दोनों साइड से सिल्वर फॉइल से अच्छे से कवर कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे अराउंड 1/2 to 1 hour के लिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। 1/2 hour के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है तो यह भी अच्छे से सेट हो गया है और अब सिल्वर फॉइल को आराम से ओपन कर लेंगे। देखिए हमारा रोल कितना स्मूथ और शाइनी लग रहा है। देख के भी आप समझ सकते हैं कि अभी अच्छे से सेट है, इसमें बहुत शाइनिंग आ गई है। सिल्वर फॉइल पेपर को अच्छे से हटा लेंगे और इसे चॉपिंग पैड में एक साइड को रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है अराउंड 1 spoon रोस्टेड खसखस। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। खसखस से बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है और टेस्ट भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। खसखस को चॉपिंग पैड पर इस तरह से स्प्रेड कर लें और इसके ऊपर जो हमारा रोल रेडी है उसको इस तरह से घुमा लें। इससे पूरे रोल पे खसखस की कोटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। आप देख सकते हैं अभी हमारा रोल कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आज की हमारी स्वीट बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये बिल्कुल फाइनल स्टेप, इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसे हम कट करके हटा लेंगे और रोल को हम 1 inch के गैप में कट कर लेंगे। कितनी परफेक्ट स्वीट बनके रेडी हुई है और कितनी टेम्पटिंग भी है। देख के यकीन नहीं होता ना कि ये स्वीट हमने 10 मिनट में बना के रेडी की है, वो भी बिना कुकिंग के, बिना मिल्क के, बिना मावा के और बिना मिल्क पाउडर के। पूरे रोल को इसी तरह से 1 inch के गैप में या फिर जितना साइज आपको रखना हो उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। केयरफुली कट करना है क्योंकि बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट के पीस हैं उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो इस तरह से कट कर लीजिए। हमारे चॉकलेट रोल डिलाइट रेडी है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रेसिपी आपको मिलती रहे। आप ये स्वीट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे